हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आराधना कुक हाउस में। मैं हूँ आराधना सिंह। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज सूप। ये मैंने पत्ता गोभी ले रखा है, ये थोड़ी सी मटर है 2 बड़े चम्मच, 1 शिमला मिर्च है और मशरूम है थोड़ी सी, 1 गाजर है और थोड़ी ब्रोकली है, 2 हरी मिर्चें हैं और ये 4-5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने कूट लिया है, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं बारीक, और ये कॉर्न है, ये ऑप्शनल है, 2 बड़े चम्मच है, और एक छोटी प्याज है, और ये हरी प्याज ले रखा है मैंने, वाइट वाला पार्ट मैंने अलग रख दिया है काट के और हरी वाली अलग रख दिया है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस ऑन कर दी है, इसमें हम डालेंगे बटर। मैंने बटर डाला इसमें, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन, इनका हमें सिर्फ कच्चापन ही निकालना है, गैस को मीडियम ही रखना है। प्याज डालेंगे, हरी मिर्च, इसका कलर चेंज होने लग गया है। अब मैं सब्जियों को डाल दूंगी। मटर, शिमला मिर्च, सबको एक साथ ही डाल देना है। इसमें मैं 1 तेज़पत्ता डालूंगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इन सबको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं सब्जियों को। ये देखिए सब्जियां हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगी हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और ये बनके भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें अब हम डाल देंगे कॉर्न। कॉर्न को मैंने पानी में भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए, डाल के रखा था पानी में। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। मैंने 2 से 3 मिनट तक पकाया इसको, ढक दिया था मैंने। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमें लगभग 1.5 लीटर के करीब चाहिए, 1 से 1.5 लीटर तक। मैं कप से डाल रही हूँ। मैंने इसमें 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब इसको हम ढक के उबाल आने देंगे इसमें। चम्मच कॉर्नफ्लोर है, मैं इसकी स्लरी बना लूंगी।
5 से 6 मिनट हो चुके हैं हमारे, चलिए चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गैस को मैंने अभी स्लो कर दिया है, और इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, इसको डालते हुए हमें चलाते रहना है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारे। इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, इससे और ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा, और वो हरी प्याज डाल देंगे। एक मिनट और पका लूँगी बस। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छा सूप बनके तैयार हुआ है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।